हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू पार्ट टू ऑफ द इनकम टैक्स फास्ट ट्रैक रिवीजन फॉर द एम कॉम आइडियल स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स एज वेल एज नेट्स स्टूडेंट्स एंड दिस डायरेक्ट टैक्स सेशन विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अदर स्ट्रीम्स आल्सो जैसे बैफ के स्टूडेंट्स है बीएमएस के स्टूडेंट्स है बी के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ये यूजफुल होने वाला है तो हमने कल पार्ट वन सीख लिया था पार्ट वन में वी हैव लर्न दी चैप्टर्स सच एज रेसिडेंशियल स्टेटस स्कोप ऑफ टोटल इनकम income from salary, income from house property and we have also solved the practical questions related to that. I hope you have understood everything which we have learned yesterday and today we are going to have discussion on the remaining topics of the heads of income. तो so, हम आज चर्चा करने वाले हैं business profession को uh, उसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे capital gain के बारे में और capital gain के बाद हम चर्चा करेंगे हमारे अदर सोर्स के बारे में ये आज का सेशन होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना मत भूलना बिकॉज सभी लोगों को इससे बेनिफिट मिलना चाहिए और ये सारे बेसिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो जो आपको पेपर में एमसीक्यूज जो कंसेप्चुअल बेस पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ एमसीक्यूज रिलेटेड टू द पॉइंट तो सारी चीजों के ऊपर एक एक करके ध्यान देंगे तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम धीरे धीरे आगे के जो वीडियोज अपलोड करूंगा वो आपको टाइमली बेसिस पे मिलते रहेंगे तो आई एम वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग नाउ तो काफ़ी बच्चे ज्वाइंट हो चुके हैं कमेंट करते रहे कि यू हैव ज्वाइंट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड हु ऑल हैव ज्वाइंट तो जल्दी जल्दी आपके कमेंट्स आने चाहिए कमेंट्स बहुत कम करते हो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट्स करते रहे सो दैट आई कैन नो कि मोस्ट ऑफ यू हैव ज्वाइंट सो दैट वी कैन स्टार्ट एक दो मिनट में स्टार्ट कर लेते हैं ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ जाए और किसी का बेसिक जो है स्टार्टिंग का वो मिसअप ना हो सो so, कल तक हमने सारी चीजें पढ़ ली थी हमने हाउस uh, प्रॉपर्टी हमने हाउस प्रॉपर्टी के जो बेसिक्स थे वो पढ़ लिए हाउस प्रॉपर्टी में जो जी का कैलकुलेशन पूछा जाता है एज वेल एज जो स्टैंडर्ड uh, रेंट का वैरायटी है दैट आल्सो वी हैव लर्न एवरीथिंग नाउ सो आई होप की दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ़ इट इज अपियरिंग इन योर एग्जामिनेशन देन यू कैन ईजिली सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज यूजअली हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेट में भी पूछे जाते हैं बाकी के एमसीक्यूज पैटर्न में भी पूछे जा सकेंगे So, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपका कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए इसलिए हमने ऑलरेडी कल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी उसको अटेम्प्ट करने के लिए किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी कल करवा दिया है चलो बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं लेट अस स्टार्ट नाउ नॉट वेस्टिंग एनी टाइम मोर तो फर्स्ट आज जो हम रिवीजन करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सो so, आज हम डिस्कस करेंगे पहले इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में एज यू आर ऑल अवेयर अबाउट दैट टोटल फाइव हेड्स ऑफ इनकम होते हैं पहला है हमारा सैलरी सेकेंड है हमारा हाउस प्रॉपर्टी जो हमने कल कंप्लीट कर लिया था सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कैपिटल गेन क्या है कैपिटल गेन में अगर आप अपने पास की जो कैपिटल असेट है उसको अगर आप ट्रांसफर करते हो इफ यू आर ट्रांसफरिंग द कैपिटल असेट ट्रांसफरिंग का मतलब क्या है ट्रांसफरिंग का मतलब है कि आप अपनी कैपिटल असेट को सोल्ड करते हो सोल्ड करना कौन से ईयर में सोल्ड करते हो यू आर सेलिंग द कैपिटल असेट इन द प्रीवियस ईयर आप अगर अपने प्रीवियस ईयर में कोई कैपिटल असेट को सोल्ड करोगे तो वहां से जो भी प्रॉफिट जो भी गेन अराइज होगा उसे हम कैपिटल गेन के नाम से जानेंगे एंड दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल गेन विच इज कॉल्ड एस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको हम एलटीसीजी के नाम से जानते हैं एलटीसीजी इज व्हाट एलटीसीजी इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और जो दूसरा टाइप का गेन होता है वो क्या है वो है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होते हैं सो आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड दैट व्हेनेवर देयर इज एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट तो डोंट गेट कंफ्यूज बाय वर्ड ट्रांसफर ओवर हियर इधर ट्रांसफर जो है ट्रांसफर का मतलब क्या है यहाँ पे ट्रांसफर का मतलब होता है सेल करना क्या होता है ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे सेल सेल करना sale अगर होगा तो ही यहाँ पे कैपिटल गेन का कंसेप्ट अराइज होगा तो ध्यान रखना ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे क्या है ट्रांसफर का मतलब यहां पर है सेल करना या सोल्ड सेल कभी होगा सेल आपके प्रीवियस इतना सेल इज इन द प्रीवियस ईयर इट विल बी रिलेटेड विद दर ऑफ कैपिटल असेट एंड कैपिटल असेट का ट्रांसफर होगा और अगर गेन है तो वो गेन दो टाइप में अराइज हो सकता है वन इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड दी अनदर इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आई होप कि आपको ये दो कंसेप्ट अभी क्लियर है चलो एक बार कमेंट कर लो एवरी वन जस्ट सी की जो भी आपके पॉइंट्स है वो आप कमेंट में बता दे कमेंट कर लो सभी लोग कमेंट कर लो एक बार ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको पता चल रहा है कि वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल गेन पार्ट यस वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ योर कमेंट इज इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी कमेंट आने चाहिए सबके ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड सबके कमेंट्स आ रहे हैं थैंक यू थैंक यू चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपिटल असेट का मतलब क्या है तो अभी मैंने कहा कि देर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट तो कैपिटल असेट का मतलब क्या है कैपिटल असेट का मतलब है एज पर द सेक्शन टू सबसेक्शन फोर्टीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड बाई दी एस एस ठीक है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी दैट इज आल्सो कैपिटल असेट लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो कैपिटल असेट नहीं माने जाते नॉट कैपिटल जो आपको ध्यान रखना है देखो असेट्स जो भी असेट्स हम पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं वो कैपिटल असेट नहीं है जैसे टीवी कार मोबाइल स्टॉक इन ट्रेड रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स तो ये ध्यान रखना दीज आर नॉट कैपिटल असेट्स बट ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे हमारे क्या है सारे के सारे हमारे कैपिटल असेट है कौन से कौन से ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग्स कैपिटल असेट है गोल्ड यूटेंसिल्स गोल्ड है फिर यूटेंसिल्स है सिल्वर बार सिल्वर कॉइंस वेर हेल्ड नॉट टू बी कंसिडर एज पर्सनल इफेक्ट मतलब भले आप गोल्ड पर्सनल इफेक्ट के लिए पहनते हो फिर भी ये कैपिटल असेट माना जाएगा और इसके ऊपर कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएगा फिर कार यूज इन बिजनेस अगर कार आप पर्सनल पर्पजेस के लिए यूज करोगे तो वो कैपिटल असेट नहीं है लेकिन कार अगर आप बिजनेस के लिए यूज करोगे तो वो कैपिटल असेट माना जाएगा तो ये एक सिंपल डेफिनेशन या सिंपल मीनिंग आपको मैंने स्पेसिफाई करके बताया है एज पर सेक्शन टू फोर्टीन बिकॉज अभी हमने सीखा कि कैपिटल असेट क्या है कैपिटल असेट अगर पता चलेगा तो ही तो एलटीसीजी और एस टी सीजी का कंसेप्ट आप ध्यान में रख पाओगे चलो तो आगे बढ़ते हैं एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये भी कैपिटल असेट माना जाएगा फर्दर आगे जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर एल एंड एस दिस इज इम्पॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और वेदर इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और वेदर इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ध्यान से ये चार्ट में मैंने सब कुछ दे दिया है चार्ट के बेसिस पे आप अगर पढ़ोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके फेस नहीं होंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर शेयर्स फॉर शेयर्स लिस्टेड इन रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया अगर शेयर्स लिस्टेड है कंपनी लिस्टेड है तो ट्वेल्व मंथ्स का ड्यूरेशन आपको याद रखना है मतलब अगर आपने ट्वेल्व मंथ्स के पहले ही शेयर्स बेच दिए तो वहां से जितना भी गेन अराइज होगा दैट गेन विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फाइन अगर हम एक साल से पहले ही शेयर्स को बेच देंगे तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे और अगर हम शेयर्स को एक साल के बाद बेच देंगे तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे दैट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग

फर्दर ट्वेंटी फोर मंथ्स के पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्वेंटी फोर मंथ्स के बाद बेच दिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिर अगर हम इमोबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे इमोबल प्रॉपर्टी है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है ट्वेंटी फोर मंथस का सेम ट्वेंटी फोर मंथस का और बाकी आपका एनी अदर पीरियड या एनी अदर असेट जो है ना वो आप ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है थर्टी सिक्स मंथस तो थर्टी सिक्स मंथ इज इक्वल टू हाउ मच थर्टी सिक्स मंथ्स इज इक्वल टू थ्री ईयर्स अगर आपने तीन साल के पहले बेच दिया तीन साल के पहले अगर बेच दिया तो एस बन जाएगा तीन साल के अगर बाद बेच दिया तो एल बन जाएगा तो आपको क्या याद रखना है दो चीजें याद रखनी है काफी सिंपल अगर शेयर्स रहा तो ट्वेल्व मंथ्स मतलब वन ईयर वन ईयर के पहले आपने अगर शेयर्स को सेल आउट कर दिया तो वॉट एवर गेन यू आर अर्निंग फ्रॉम द सेलिंग ऑफ शेयर्स

इफ यू आर सेलिंग इट आफ्टर थ्री ईयर्स इट विल बी कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो ये आपका कैपिटल गेन का कंसेप्ट है जिसमें हम एल टी सी जी और एस टी सी जी की बात करते हैं कि एल टी सी जी कब और एस टी सी जी कब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग

चलो कमेंट आने चाहिए सबके आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जल्दी जल्दी कमेंट आने चाहिए जल्दी 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 येस येस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यूर कमेंटिंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में जाएंगे अभी ये कुछ फॉर्मेट है कैपिटल गेन का तो फॉर्मेट तो अभी फिलहाल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है एमसीक्यू पैटर्न में छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए इसलिए हम एक बार फॉर्मेट को भी देख लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है इसमें हमें लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को एक दूसरा नाम भी है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस क्या होता है सेलिंग प्राइस सेल कंसिडरेशन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस आपको ध्यान रखना है सेलिंग प्राइस अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी है तो वो हम यहाँ पे सब्सट्रीट्यूट करेंगे देन द नेक्स्ट पॉइंट इज लेस एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर तो एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर मतलब आपका अगर कोई ब्रोकरेज है ब्रोकरेज कमीशन ये सारे यहाँ पे पॉइंट आते हैं तो पहले हम सेल कंसिडर लिखेंगे सेल कंसिडरेशन फिर हम क्या करेंगे ब्रोकरेज उसमें से माइनस करेंगे लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ़ एक्विजिशन उसके लिए एक फॉर्मूला होता है वो हम लिख के कैलकुलेट करेंगे फिर लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वो हम लिख के कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे और फिर हमारा डिडक्शंस आ जाएगा डिडक्शंस हम यहाँ पे माइनस कर देंगे लास्ट में सेक्शन थर्टी फोर फिफ्टी फोर का और फिर फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन तो ये हमारा फॉर्मेट है कुछ तो फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फॉर्मेट अगर पता होगा तो आपको कैपिटल गेन कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी तो इसके लिए अभी थोड़ा सा डिटेल देखते हैं देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो हमारा डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन फिफ्टी तो फिफ्टी के अंदर एक सेक्शन फिफ्टी है हमारा न्यू हाउस परचेस का और दूसरा होता है 54 फोर ई सी दैट इज दी बॉन्ड्स ऑफ एन अगर आप बॉन्ड्स परचेस करते हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है एग्जेम्पन की फिफ्टी लाख रुपीस की सो जो लास्ट में मैंने अभी आपको फॉर्मेट में डिडक्शन बताया था कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 उसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं एक होता है 54 फोर और दूसरा होता है फिफ्टी फोर ईसी फिफ्टी फोर क्या कहता है कि फिफ्टी फोर यह कहता है कि आपने अगर कहीं नया इन्वेस्टमेंट किया है नया घर लिया है दैट इज और दूसरा आपका है ईसी तो फिफ्टी फोर ईसी क्या कहता है बॉन्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे फाइनेंस और इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है इसका मैक्सिमम लिमिट है फिफ्टी लैक्स तो आपको ध्यान रखना है उसका मैक्सिमम लिमिट होता है फिफ्टी लैक्स अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उस वो सेल्फ जनरेटेड असेट्स का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो नील होगा और बेनिफिट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल फॉर दैट एफ करके कैलकुलेशन होता है फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज रिलेटेड विथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ठीक है अभी एक इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ वो ध्यान रखना रूल नंबर सेकेंड जो मैंने यहाँ पे लिखा इफ असेट इज एक्वायर्ड बिफोर फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड वन देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन दस एस सी कैन सिलेक्ट एक्चुअल कॉस्ट और एफ एम वी विच एवर इज हाइयर सबसे सिंपल कैलक्यूलेशन है ध्यान रखना अगर कोई भी असेट फर्स्ट एप्रिल टू थाउजेंड वन से पहले परचेज की होगी तो जो हमारा एस एस सी है एस एस सी के पास एक ऑप्शन होता है उसकी कॉस्ट प्राइस मतलब उसका एक्विजीशन वैल्यू या फिर उसका फेयर मार्केट वैल्यू जिसको हम इस चैप्टर में एफ कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू इन दोनों में से एवर इज हाइयर विल बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग दी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा टेक्निकल है अगर आपके एस एस सी ने कोई भी प्रॉपर्टी फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन से पहले परचेस की होगी तो ऐसे केस में अस एस के पास ऑप्शन रहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने का एंड ऑप्शन इज ही कैन टेक द कॉस्ट प्राइस कॉल्ड एज द एक्विजिशन वैल्यू जितने में उसने असेट्स को एक्वायर किया था वो वैल्यू एंड द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन फर्स्ट अप्रैल टू इन दोनों को कंपेयर करके उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए कंसिडर करेंगे लेकिन रूल तभी अप्लाई होता है, जब 2001 से पहले की है. अगर असेट फर्स्ट अप्रिल टू अप्रैल 2001 के बाद की रहेगी तो यह रूल एप्लीकेबल नहीं होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिर हम जाएंगे इंप्रूवमेंट्स के बारे में तो इंप्रूवमेंट्स में ध्यान रखना ऑल इंप्रूवमेंट्स मेड फ्टर फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड वन शैल बी कंसिडर फॉर डिडक्शन तो ये मैंने सिंपल सिंपल जो बेसिक रक्स है चैप्टर के वो सारे लिखे हैं कि जो भी इम्प्रूवमेंट्स आप अपने प्रॉपर्टी पे करते हो वो सारे इंप्रूवमेंट्स टू थाउजेंड वन के बाद ही किए होने चाहिए अगर टू थाउजेंड वन के पहले आपने कोई इंप्रूवमेंट किया होगा तो उसका कोई भी डिडक्शन आप नहीं क्लेम कर सकते अंडर कॉस्ट ऑफ एक्विजीश अंडर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बट न क्लेम द डिडक्शन ओनली वेन इट इज आफ्टर फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड वन तो फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड वन के बाद रहेगा तो ही आप उसको क्लेम कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर आई थिंक आपको सभी को अभी चीजें क्लियर है ये अभी बिजनेस प्रोफेशन हमारा आ चुका है बिजनेस प्रोफेशन का मैंने रेट्स लिखा है तो चलो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कैपिटल गेन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आई वॉन्ट एवरी वन शुड कमेंट नाउ कुछ लोग साइलेंट रहते पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं लेकिन कमेंट ही नहीं करते मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग है कि नहीं चलो जल्दी जल्दी कमेंट करें एवरी वन आई शुड सी दैट आपके नाम इधर डिस्प्ले होने चाहिए मुझे चलो चलो जल्दी जल्दी आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू आप जल्दी कमेंट करोगे तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी कमेंट करो एवरी वन यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो चलो आगे बढ़ते हैं फिर सेकेंड वाले पार्ट में जाएंगे आज के तो नेक्स्ट पार्ट विच आर लर्निंग नाउ इज कॉल्ड एज प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है लेकिन हम कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन में दो दो टाइप के फॉर्मेट्स आते हैं कैलकुलेशन के अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो हम फिर डिसअलाउड एक्सपेंसेस का फॉर्मेट यूज करते हैं अगर आपको क्वेश्चन में प्रोफेशनल पर्सन से रिसिड्स एंड पेमेंट्स दिया है तो फिर हम अलाउड एक्सपेंसेस और अलाउड इनकम्स का फॉर्मेट यूज करते हैं लेकिन वो तो रही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग की बात अगर एमसी की उस बेस पे पूछा जाए तो एमसी की उसमें तो क्या आपको पूरा फॉर्मेट नहीं आना है एमसी क्यूज में आपको क्या आना चाहिए एमसी क्यूज में आपको चैप्टर के बेसिक्स आने चाहिए देखो ये कुछ मैंने रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन लिखे हैं तो ये आप एक बार पढ़ लेना काफी इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पज तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है फाइव परसेंट बिल्डिंग नॉट यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पज तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है टेन परसेंट बिल्डिंग यूज फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इट्स फोर्टी परसेंट ये तो एकदम नॉर्मल बातें हैं इसमें कोई एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है परसेंटेज आपको दे दिया है तो परसेंटेज आपको इसमें से ध्यान से पढ़ना है इसका पी डी एफ एप में अपलोड हो जाएगा कल भी मैंने जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ वैसे मैंने ऐप में पी डी एफ अपलोड करके बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिया है तो अगर आपने अभी तक पार्ट वन का पी डाउनलोड नहीं किया है ऐप में अवेलेबल है तो ऐप में मैंने फ्री स्टडी मटेरियल का जो टैब है उसमें एम कॉम पार्ट टू में जाइए वहाँ से डाउनलोड करके आप उस पी को ले सकते हैं तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव द पार्ट रिलेटेड टू द प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड उसके बेसिस पे मैंने आपको ये जो पॉइंट्स दिए इसका भी पी मैं आपको अपलोड कर दूंगा वो भी आप लोग इसके पी को देख के फिर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू रिविजन चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता ही है अगर हम बिजनेस प्रोफेशन की बात करें तो बिजनेस प्रोफेशन में क्या होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चार्ज करता है डेप्रिसिएशन एज पर ब्लॉक ऑफ असेट मेथड मतलब ये ब्लॉक ऑफ असेट मेथड क्या है ब्लॉक बनाए जाएंगे किसके ब्लॉक बनाए जाएंगे असेट्स के ब्लॉक बनाए जाएंगे Assets के ब्लॉक क्यों बनाए जाएंगे बिकॉज जो भी सिमिलर सिमिलर को एक साथ लिया जाएगा और फिर वो एक साथ जो हम क्लब करेंगे उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा बट वॉट हैपन्स नाउ अकाउंटेंट ने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट uh, किया है जो चार्ज किया है वो वैल्यूज और इनकम टैक्स की वैल्यूज मैच नहीं करती

तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा यहाँ पे लिखा है इफ आर एक सौ अस्सी दिन अगर बात करें तो अकाउंटेंट का कहना है सिक्स मंथ्स बराबर है एक सौ अस्सी दिन का मतलब होता है सिक्स मंथ अगर एक सौ अस्सी दिन से आपने ज्यादा असेट यूज किया तो आप पूरा डेप्रिसिएशन लेंगे फुल डेप्रीसिएशन और अगर 180 डेज से आपने अगर कम यूज किया तो आप कितना डेप्रीसी लेंगे हाफ डेप्रिसिएशन ले बराबर 180 दिन से अगर कम यूज किया तो हाफ डेप्रीसी 180 दिन से अगर ज्यादा यूज किया तो फुल डेप्रीसी अकाउंटेंट क्या कहता है कि, कि अगर आपने सेवन मंथ्स के लिए असेट यूज किया तो कितने मंथ्स का डेप्रीसी चार्ज करना है सेवन मंथ्स का ही चार्ज करेंगे लेकिन इनकम टैक्स कहता है सेवन मंथ्स आपने असेट यूज किया है मतलब दिन में काउंटिंग करेंगे तो एक सौ अस्सी दिन से ज्यादा है हम तो पूरा डेप्रिसिएशन लेंगे सात महीने का नहीं लेंगे तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है ध्यान रखना केस ऑफ इनकम टैक्स दी असैट्स पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है दैट इज कैलकुलेटेड एस पर द ब्लॉक ऑफ असेट मैथड एंड ब्लॉक ऑफ असट मेथड इज नथिंग बट इट इज द क्लबिंग ऑफ ऑल दी असैट्स टुगेदर एंड देन द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एंड देर इज सिंपल रूल फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन इफ असेट इज यूज फॉर मोर देन वन एटी डेज फुल डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इफ इट इज यूज फॉर लेस देन वन एटी डेज हाफ डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज तो ये आपको ध्यान रखना है रिलेटेड टू योर ब्लॉक ऑफ येट मेथड यही आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन दैट्स इट बिजनेस प्रोफेशन में और ज्यादा चीजें नहीं करेंगे यही पार्ट है आपको बिजनेस प्रोफेशन में याद रखना है नेक्स्ट हमारा आखिरी टॉपिक आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो आपके एम सी क्यूज बेस पे इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे एक आपका गिफ्ट का फैक्टर है एक फैमिली पेंशन का पॉइंट है देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक ऐसा हेड है जो ये कहना चाहता है जो इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं है जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है जो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं है जो इनकम पी जी बी पी में टैक्सेबल नहीं, नहीं है वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस अदर so सोर्सेस इसके लिए एक ऐसा हेड है कि जिसके लिए कोई नहीं उसके लिए अदर सोर्स गवर्नमेंट कहता है कि रेवेन्यू है तो हम है बिकॉज रेवेन्यू अगर आप कमाओगे तो ही हम टैक्स लेंगे और रेवेन्यू है तो आपने कहा ना मेरा सैलरी इनकम है ना मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम है ना मेरा कैपिटल गेन है ना इधर इट इज पी दैन टू इट इज एन इनकम एंड देन टू इट इज एन इनकम देन इट विल भी टैक्सेबल अंडर दी हेड इनकम फ्राम अदर सोर्सेस जैसे कि लॉटरी का टिकट आपने लिया जीते गैम्बलिंग में पैसा जीते फिर बहुत सारे रियालिटी शोज आते हैं उसमें आपने पैसा जीता बैंक में आपने पैसा रखा एफ डी से उसमें आपने पैसा मिला कहीं पर आपने अपनी सर्विसेज दी वहाँ से आपको रॉयल्टी मिली तो ये सारी चीज़ें क्या है ये सारी चीज़ें हमारे लिए इनकम तो है बट ये सारी चीज़ें कहाँ पे टैक्सेबल होगी ये सारी चीजें टैक्सेबल होगी हमारी अदर सोर्सेज में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है नाउ देर आर टोटल टू मेजर सेक्शन विच आर कवर्ड इन दिस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन फिफ्टी सेवन एंड सेक्शन फिफ्टी एट सेक्शन 57, so, 57 की अगर बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये फैमिली पेंशन वाला है क्योंकि इसमें लिमिट है तो फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता है 33 थ्री वन थर्ड परसेंट ऑफ द पेंशन और रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड विच एवर इज लेस इनकम टैक्स में याद रखना जहां पे भी डिडक्शन की बात आएगी वहां पे विचेवर इज लेस ही आएगा गवर्नमेंट कम से कम डिडक्शन देना चाहता है ऐसा क्यों बिकॉज जितना कम डिडक्शन देंगे उतना इनकम ज्यादा दिखेगा और जितना इनकम ज्यादा दिखेगा उतना गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ जाएगा अगर जितना डिडक्शन ज्यादा देंगे उतना रेवेन्यू कम दिखेगा और जितना इनकम कम दिखेगा उतना गवर्नमेंट को टैक्स कम भरना पड़ेगा गवर्नमेंट खुद का लॉस क्यों करके लेगा इसलिए डिडक्शन में एक रूल है की लिमिट या फिर एक्चुअल एवर इज लेस अगर आपकी लिमिट पंद्रह हजार है और आपको पेंशन ही पांच हजार मिल रहा है तो पंद्रह हजार का डिडक्शन नहीं मिलेगा फिर आपको पेंशन का पांच हजार का ही डिडक्शन मिलेगा बिकॉज उन्होंने रूल क्या बनाया एवर इज लेस तो दैट इज इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज सेक्शन फिफ्टी एट अमाउंट नॉट डिडक्टेबल एनी पर्सनल एक्सपेंसिस ऑफ एस एस सी इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया एक्सपेंसिस इनकर्ड ऑन एक्जेप्टेड इनकम एक्सपेंसिस ऑन कैजुअल इनकम ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है जिनका डिडक्शन नहीं मिलता पर्सनल खर्चा कुछ किया है आपने उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा फिर इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया है उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सपेंसेस ऑन कैजुअल इनकम कैजुअल इनकम का मतलब होता है ऐसे इनकम जो आपने कैजुअली अर्न की जैसे लॉटरी है फिर हॉर्स रेस पे पैसा लगाया हॉर्स रेस घोड़े पे तो ये सब आपकी कैजुअल इनकम है इसमें अगर आपको क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिया होगा तो ये एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है ये एक्सपेंसेस को आपको इग्नोर करना है दैट एक्सपेंसेस विल बी इग्नोर्ड बिकॉज रूल ऑफ इनकम टैक्स या सेक्शन फिफ्टी एट सेज दैट ऑल दोज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कैजुअल इनकम विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी काइंड ऑफ डिडक्शन आपको डिडक्शन उस पर नहीं मिलेगा अगला पॉइंट आता है हमारे लिए गिफ्ट अब ध्यान से समझना थोड़ा सा ट्रिक में पड़ेंगे जैसे हमने कल एक निमोनिक बनके के पढ़ाया था अलाउंसेस मैंने आपको दिसंबर के मंथ में एमएलए का स्वॉट एनालिसिस हुआ यूनियन टेरिटरी है दमन यहां के लोग एसी यूज करते हैं ऐसा हमने पढ़ा था हाई टेक केयर अलाउंसेस का वैसा अभी गिफ्ट का पढ़ेंगे गिफ्ट के लिए अगर बात करें तो गिफ्ट क्या है तो गिफ्ट क्या है आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ मॉनिटरी कंसिडरेशन देता है प्री में मतलब पैसे तो देते हैं लेकिन उसके बदले में उन्होंने हमको कुछ सर्विस या गुड्स नहीं बेचे तो वी आर गिविंग देम एनी मॉनिटरी कंसिडरेशन दैट कैन बीन मनी फैक्टर मतलब मॉनिटरी भी हो सकता है या फिर दैट कैन बी इन काइंड ऑल्सो सो गिफ्ट में सेक्शन कवर होता है सेक्शन 56 सिक्स सेक्शन टू अगर हम गिफ्ट के नॉन टैक्सीबिलिटी की बात करें तो मैंने एक साइड नॉन टैक्सीबिलिटी लिखा है अगर इतने सारे लेवल पे अगर गिफ्ट मिलता है तो दैट इज़ फुल्ली एग्जाम मतलब गिफ्ट फ्रॉम फादर गिफ्ट फ्रॉम मदर गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंड फादर गिफ्ट फ्रॉम सिस्टर ये सारे रिलेटिव में कंसिडर होंगे तो ये सारे केस में अगर गिफ्ट मिलेगा तो दैट इज एग्जैम इनहेरिटेंस में अगर गिफ्ट मिला जैसे कि ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी फादर को मिली फादर की प्रॉपर्टी उनको सन और डॉटर को मिल जाएगी तो ये एनसिस्टर्स प्रॉपर्टी है तो वेन एवर दी प्रॉपर्टी और फोर फादर्स की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है उनके बच्चों को तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं ऐसे केस में टैक्सीबिलिटी नहीं है नेक्स्ट इज मैरिज मैरिज के वक्त अगर गिफ्ट देंगे तो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा नेक्स्ट इज कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ तो कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ अगर है तो ऐसे केस में भी टैक्सेबिलिटी नहीं है मतलब कोई अगर एक्सपायर्ड हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर हो जाएगी एंड दैट इज़ कॉल्ड एज कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ एंड आर रेफर्स टू रिलेटिव तो रिलेटिव के अगर बेसिस पे गिफ्ट है तो भी वो नॉन टैक्सेबल माना जाएगा लेकिन रिलेटिव में भी नियरेस्ट रिलेटिव होना चाहिए वरना आप दूर का रिलेशन निकालेंगे ये मेरा वो लगता है तो मैं इसको एग्जैम्प्ट मानूंगा ऐसा नहीं है ब्लड रिलेशन होना चाहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है अब इसको कैसे याद रखना है गिफ्ट के लिए अगर हम बात करें तो गिफ्ट के लिए थोड़े टाइम के लिए सिंस यू ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स तो आई एम डॉक्टर याद रखना है खुद को डॉक्टर बना देना आई एम डॉक्टर अगर आई एम डॉक्टर है तो गिफ्ट के ऊपर फुल एग्जामेशन आई एम डॉक्टर गिफ्ट के ऊपर फुल एग्जामेशन आई से इनहेरिटेंस एम से मैरिज से डेथ आर से रिलेटिव अगर ये चार केस में गिफ्ट है तो वो पूरा एग्जेम्ट है और अगर आपका फ्रेंड आपको गिफ्ट देता है तो लिमिट याद रखना पचास हजार पचास हजार अगर है तो वो एग्जेक्ट है पचास हजार के ऊपर एक भी रुपया गया तो पूरा टैक्सेबल फिर अगर फिफ्टी वन थाउजेंड का गिफ्ट फ्रेंड से मिला तो फिफ्टी वन में से आप वैसा नहीं कर सकते फिफ्टी थाउजेंड टैक्सेबल नहीं है बाकी का टैक्सेबल है ऐसा नहीं फिफ्टी के ऊपर अगर गया तो पूरा का पूरा फिफ्टी वन थाउजेंड टैक्सेबल माना जाएगा एनी अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड अबाउ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड एज गिफ्ट इज़ फुल्ली टैक्सेबल आई होप की यूर गिफ्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स नाव जल्दी जल्दी कमेंट्स करो सभी ताकि मुझे पता चले आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं आज के सेशन में

और आपको लगता है ये वीडियो शेयर करने लायक तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करें उनको भी इससे बेनिफिट मिलना चाहिए चलो थैंक यू वेरी मच इसी बेसिस पे हम आगे मिलते रहेंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहेंगे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ताकि वहाँ पे भी मैं रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर